फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय एक। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीही यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीही यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं, और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीही के लिए कैद हूं, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाब बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाब करते हैं। कितने तो डहा और झगड़े के कारण मसीही का प्रचार करते हैं, और कितने भली मंशा से, कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीही की कथा सुनाते हैं, ये समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। सो क्या हुआ, केवल ये कि हर प्रकार से चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीही की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा करता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसी ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं व मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, और इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है सो मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीही यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीही के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो,
और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। अध्याय 2। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से डाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ, और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लोहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमूथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। सो मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था
इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था और निश्चय वो बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था। परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वो मसीही के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करें। अध्याय 3। निदान, हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। आठवें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीही यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीही पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीही यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सो हम से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। सो जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत
विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अध्याय 4। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं युओदिया को भी समझाता हूं और सुंतुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझ से भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीही यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझमें देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर, जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इस प्रकार का विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करो। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। और हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकी दुनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन दो बार कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वो तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीही यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।
हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में हैं, नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ हैं, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं, तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे।